हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नई रेसिपी ट्राई करेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम बनाएंगे वेज चाउमीन या वेज नूडल्स। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। आपको जो भी वेजेस पसंद है आप उसको चॉप करके ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट कैप्सिकम, ओनियन एंड कैबेज, कैरोट, फ्रेंच बीन एंड कुछ चॉप जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली एंड कुछ सौंफ एंड ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। और यहाँ पे मैंने नूडल्स को अच्छे से बॉईल कर लिया है एंड इसका ये अभी रेडी है बिल्कुल। अभी एक पैन गरम करेंगे कुछ ऑयल के साथ। यहाँ पे हमने जो चॉप करके रखा है यहाँ पे जो जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिल्ली, पहले इसको ऐड कर लेंगे एंड थोड़े देर के लिए इसको सॉटे कर लेंगे। ये रेसिपी मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहता है, मुझे बहुत पसंद है। एंड अभी हम इसको सारा वेजेस ऐड कर लेंगे, थोड़े देर के लिए सॉटे कर लेंगे। आप जब भी ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना, आपका गैस का फ्लेम हमेशा हाई में होना चाहिए क्योंकि हमें वेजेस को ज़्यादा पकाना नहीं है, जस्ट थोड़े देर के लिए इसको सॉटे करेंगे क्योंकि हमारा वेजेस पूरा क्रंची रहना चाहिए। कि थोड़ा सा पक जाएगा ना, एक मिनट के बाद हम फिर से अपना कैबेज ऐड कर लेंगे एंड इसको भी एक मिनट के लिए पका लेंगे। अभी इसी कंडीशन में हम ऐड कर लेंगे हमारा ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। मुझे थोड़ा ज़्यादा तीखा चाहिए इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ब्लैक पेपर ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप ऐड कीजिएगा। अभी हम हमारे जो भी सॉस है उसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सोया सॉस लिया है, ग्रीन चिली सॉस एंड टोमेटो केचप, अगर आप तो उसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे सिजवान सॉस बिल्कुल पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने स्किप कर लिया है। यहाँ पे बस इसको अच्छे से मिला लेंगे। अभी जो हमारा बॉयल्ड चाउमीन है उसको भी ऐड कर लेंगे। आराम से ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए अभी हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे हो गया है और थोड़े देर के लिए पका लेंगे। देखिए ये बिल्कुल अभी रेस्टोरेंट जैसे, मार्केट स्ट्रीट जैसी, ये अभी हमारा वेज चाउमीन बिल्कुल रेडी है। अभी जस्ट हम थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रिंकल कर लेंगे स्प्रिंग ऑनियन गार्निशिंग के लिए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अभी हम इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। देखिए अभी हमारा ये मज़ेदार टेस्टी वाला चाउमीन बिल्कुल रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।